वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी छमाही परीक्षा है वो कब होगा और पेपर कहां से आएगा। ठीक है, पेपर कहां से आएगा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है उसमें ये बताया गया कि पेपर बोर्ड से आएगा पेपर ऐसे करके, तो बहुत लोग बोल रहे हैं जो पेपर है वो स्कूल में छपेगा, स्कूल से आएगा ऐसे करके, यानी जो आपकी टीचर है वो जो है पेपर को सेट करेंगे। तो इस वीडियो में उसी को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला पेपर यानी जो अर्धवार्षिक पेपर होगा उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखिए आज के पेपर में ये दिया गया है न्यूज, इसमें लिखा है 9वीं से 12वीं कक्षाओं की छमाही परीक्षा दिसंबर में अधिसूचना जारी। ठीक है, जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है लेकिन टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुई है। जो पेपर है आपका दिसंबर के आखिरी में हो सकता है और उसी बीच में, दिसंबर में ही क्या है आपका शीतकालीन परीक्षा है, तो शीतकालीन जो अवकाश है तो शीतकालीन अवकाश के पहले आपका पेपर हो सकता है। इसमें देखिए समाचार में क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिसंबर में 10वीं और 12वीं कक्षा की छमाही परीक्षा लेने की अधिसूचना जारी की है। परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी हो सकती है। अभी टाइम टेबल फिक्स नहीं है, टाइम टेबल आया नहीं है। इधर स्कूलों में परीक्षा के मुताबिक सिलेबस पूरा करने में जोर दी जा रही है, क्योंकि शिक्षकों की हड़ताल, फिर प्रमोशन की प्रक्रिया एवं बीच में दशहरा दीपावली अवकाश के कारण पढ़ाई का नुकसान हुआ है। अब शिक्षा विभाग शेष दिनों में पढ़ाई लिखाई पर फोकस करेगा। तो ठीक है, अब कितना जो सिलेबस है वहाँ से पेपर आएगा, तो जो पेपर है छमाही परीक्षा वो जो है आपका जो कोर्स है पाठ्यक्रम है उसका 80% तक क्या है जो है छमाही परीक्षाएं पूछा जाएगा 80% तक। ठीक है बच्चों, और जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके जो टीचर है, जो आपके सब्जेक्ट की टीचर है वही सेट करेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अभी तक तो कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं आया है कि पेपर बोर्ड लेगा या और कहीं से आएगा ऐसे करके। पेपर सिर्फ अभी क्या है आपके स्कूल में आपके टीचर सेट करेंगे, और जो पेपर है वो पूरे नंबर का होगा। जैसे 10वीं में जैसे 75 नंबर का रहता है ना पेपर, एनुअल पेपर, एनुअल एग्जाम, तो ये 75 नंबर का ही छमाही होगा। 50 नंबर का तिमाही था, अब इधर पूरा नंबर का होगा पेपर। 12वीं में जैसे इंग्लिश का 80 रहता है, इंग्लिश और हिंदी का, तो पूरा 80 नंबर का पेपर होगा 12वीं में। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो पूरा मार्क्स का पेपर होगा जैसे एनुअल में होता है वैसे। तो इस तरीके से आपका दिसंबर में छमाही परीक्षा होगा ये तय है, लेकिन दिसंबर में ही शीतकालीन छुट्टी है तो उसके पहले पेपर हो सकता है। शायद 23 से शीतकालीन अवकाश है तो उसके पहले पेपर शुरू हो सकता है, 14 या 15 के आसपास पेपर छमाही परीक्षा शुरू हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही जानकारी था। आप लोग भी इस न्यूज़पेपर को देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको पूरा जानकारी हो गया होगा।